टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान रोहित के चेहरे पर थी मायूसी। पत्नी रितिका भी नहीं छुपा पाई अपनी आंसू। क्यों बुलाने पर भी नहीं पहुंचे एमएस धोनी। मैच की शुरुआत में ही हुई थी ऐसी बड़ी अनहोनी जिसने तय कर दिया टीम इंडिया की हार। मोदी ने शाह के साथ बना लिया था फुल प्लान, फिर कहां हुई चूक। पता चल गया मैच के पहले ही कंगारू कप्तान ने पिच पर किया था कौन सा टोटका। टूट गया करोड़ों भारतीय का दिल। फिर नहीं चले शुभमन गिल, नहीं चला श्रेयस का बल्ला। रोहित के आउट होते ही हार का पता था चल गया। क्यों मैच में सम्मानित होने के लिए बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे एमएस धोनी। 10 मैच जीतने के बाद भी फाइनल में लगी किसकी नजर। पेंटकमिस ने जब ली थी पिच की फोटो तभी कर दिया था एक ऐसा टोटका जिसने टीम इंडिया को एक एक रन के लिए तरसा दिया। हार के बाद मायूस होकर लौटे कप्तान रोहित शर्मा तो पत्नी रितिका के आंखों से भी छलका आंसू। 2023 वर्ल्ड कप का मुकाबला टीम इंडिया हार चुकी है। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया और अपने रिकॉर्ड में 6 वर्ल्ड कप शामिल कर लिया। 20 साल बाद टीम इंडिया को ये मौका मिला था जब फिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मुकाबले में भिड़ंत हुई। लगातार 10 बार से सभी मैच को जीत रही टीम इंडिया के हाथ इस बार मौका चूक गया। मगर टीम इंडिया ने 1.5 महीने के दौरान जिस तरह का प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ रहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया लगातार 10 मैच जीती हो। अब टीम इंडिया की हार के कारणों पर आए पहले देखिए वो तस्वीर जिससे करोड़ों भारतीयों की उम्मीद जुड़ी थी। आखिर वो स्टेडियम क्यों नहीं पहुंचे। यह है पूर्व कप्तान एमएस धोनी की 19 नवंबर की तस्वीर जिसमें वो पत्नी साक्षी का जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। बता दें धोनी को सम्मानित किया जाना था जिसके लिए आईसीसी द्वारा उन्हें इनवाइट भी किया गया, बावजूद वो नहीं पहुंचे और उत्तराखंड के नैनीताल में अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखे। तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली है क्योंकि जहां टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला खेल रही हो ऐसे में धोनी को इनवाइट किया जाए और वो नहीं पहुंचे तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मैच देखने के लिए खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। मैच के पहले देश की आन बान और शान एयर शो का भी शानदार आगाज हुआ। सब कुछ इतना बेहतर था जिसने टीम इंडिया की जीत लगभग तय कर दी थी। मगर अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिससे इंडिया के हार का सबसे बड़ा कारण समझ आ जाएगा। जब पेंटकमिस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया तभी एहसास होने लगा था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे पेंटकमिस ने पूरे पिच का जायजा लिया और तस्वीरें खींचकर ये समझ गए कि पिच पर बाद में खेलना ज्यादा आसान होगा। आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेंटकमिस ने पहले ही कहा था हम दर्शकों का शोर कम करना जानते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। टॉस जीतते ही बल्लेबाजी टीम इंडिया को सौंप दी, फिर टीम इंडिया एक एक रन के लिए तरसती दिखी। सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरे रोहित और शुभमन गिल। रोहित 47 रन पर आउट हुए जबकि शुभमन मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 नंबर पर उतरे विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली मगर 4थे नंबर पर आए श्रेयस अय्यर भी नहीं टिके और 4 रन बनाकर चलते बने। आखिर में टीम इंडिया 241 का लक्ष्य देते हुए ऑल आउट हो गई और स्टेडियम में सन्नाटा छाने लगा। फिर कंगारू ने शानदार खेला और 6 विकेट पर फाइनल का महामुकाबला छठी बार अपने नाम कर लिया।